क्या आप नॉर्मलसी का तस्वीर उनका अलग है, कश्मीर का अलग है। इस सरजमीन में अभी खून बहता जा रहा है मासूम लोगों का। ये इतने बड़े अफसर थे लेकिन मासूम थे, इनोसेंट थे, तो गोली का चलना है अभी। और इन घरों में, अभी जिस घर में जा रहा हूँ मैं, इनका इतना चहेता बेटा, यंग इंसान, जिसको मैं इनके मैं बाप को भी जानता था, तो इतना बड़ा नुकसान है। और ये इसे सबक लेना चाहिए इस गवर्नमेंट को, दिल्ली की गवर्नमेंट को, कि कश्मीर में हालात अभी मामूल पर नहीं आए हैं। और ये प्रोपेगेंडा हो रहा है मामूल पर है। यहाँ आकर देखें कि किस कदर यहाँ इंसानी कदरों कदरें पामाल हो रही हैं, जिनके हाथ में बंदूक है। आंदूर के वक़्त में एक पेशन गोई की गई कि एक वक्त आएगा जब किसी को नहीं पता होगा मुझको क्यों मारा जा रहा है। ये वही ज़माना है कि इनको क्या पता है कि क्यों मारा जा रहा है। ये तो एक इनोसेंट आदमी थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और जिसने मारा उसको भी पता नहीं होगा, उसको बंदूक पकड़वा दिया गया है। तो अल्लाह ताला से कहिए कि यहाँ अमन हो जाए, इंसानियत बहाल हो जाए, हमसाई का लिहाज हो जाए, जिस तरह हम पुराने ज़माने में रहते थे। तो कश्मीर सारे आलम में मशहूर था हमसाईगी के लिए, इंसाफ के लिए, अपने मासूम लोगों को, गरीब लोगों को मदद करने के लिए। तो वो समाज फिर आना चाहिए लगातार पाकिस्तान जो है। हाँ जो तो बताओ, उनको सबक लेना चाहिए वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को हम दुआ करते हैं कि वो दोस्त हो जाए, लेकिन दोस्ती की राहें निकलती नहीं है। इसके लिए एक बहुत संजीदगी से काम करना चाहिए। किस तरह का काम चाहते हैं आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में? देखिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है दुनिया का। हिंदुस्तान को कहना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा हमसाया है और पाकिस्तानियों को हमारे साथ अमन से रहना चाहिए। बातचीत का दरवाज़ा खुलना चाहिए, सारी घुटन दूर हो जाएगी समाज में। जब तक वो नहीं होता मासूम लोग मरते रहे और हम ये वावेला करते रहे। अल्लाह ताला से मांगिए कि यहाँ सच्चा अमन हो, हमसायगी हो, इंसाफ हो, बरादरी हो। थैंक यू।